हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कंसीलर के बारे में। हम बताएंगे आपको कंसीलर क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्या होता है और आप इसे किस जगह पर यूज कर सकते हैं। कंसीलर को घर पर ही मौजूद सामान से कैसे बनाया जाए, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। कंसीलर का यूज चेहरे के दाग धब्बों, निशान, पिंपल के निशान और आपके तिल हो जाते हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, उन सभी निशानों को छिपाने के काम में आता है कंसीलर। मार्केट में कंसीलर काफ़ी महंगे मिलते हैं और आपकी स्किन के हिसाब से भी वो मैच नहीं हो पाते, इसलिए घर पर मौजूद सामान से हम अपने स्किन टोन के हिसाब से कंसीलर बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए फाउंडेशन। ये रहा, ये मेरे स्किन टोन के हिसाब का फाउंडेशन है। इसे हम प्याली में निकाल लेंगे। अपने स्किन टोन के हिसाब का मैंने फाउंडेशन इसमें निकाल लिया है, आधे चम्मच के करीब है ये। अब इसमें मैं कॉम्पैक्ट पाउडर मिलाऊंगी। ये मेरी स्किन टोन के हिसाब का कॉम्पैक्ट पाउडर है, आप अपने स्किन के हिसाब से कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर्स में मिला लिया है। अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी। इसे देर तक अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर ये आपको पतला लग रहा है तो आप इसमें कॉम्पैक्ट पाउडर और मिला लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जिन लोगों की स्किन ड्राई है वो लोग कंसीलर में मॉइस्चराइजर मिलाकर ही यूज करें। यहाँ पर ये मेरा कंसीलर तैयार हो गया है, अब मैं इसे आपको लगाकर दिखाऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको लिक्विड फाउंडेशन बनाना सिखाया था, उसी से मैंने ये कंसीलर बनाकर तैयार किया है। मेरे हाथ पर एक निशान है जले का, उस पर मैं ये कंसीलर लगाकर आपको दिखाऊंगी कि ये निशान किस तरह से छिप जाता है और कैसे ये कंसीलर इसको गायब कर देता है। ये देखिए, मेरे हाथ पर ये जले का निशान है, इस पर मैं ये कंसीलर लगाऊंगी और ये निशान कैसे छिपता है ये आपको दिखाऊंगी। इसे आप लेकर इस निशान पर, देखिए दिख रहा है ये आपको निशान, इस पर आप इसे लगाइए। देखिए, मैंने इन दागों पर ये बनाया हुआ कंसीलर लगाया था। देखिए, ये दाग अब नहीं दिख रहे, दो यहाँ पर मेरे निशान थे, अब ये दाग मैंने कंसीलर लगाकर छुपा लिए। इसी तरह आप अपने फेस पे पिंपल के निशान, आंखों के नीचे डार्क सर्कल की जगह पर या कट पर लगा सकते हैं। कंसीलर से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.rizwanansari.com वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ पर जाकर और अधिक जानकारी ले सकते हैं।